बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, दो अहम मसले। पहला मसला पोस्टमार्टम का हुक्म, पोस्टमार्टम करना जायज़ है या नाजायज़। मरने के बाद मैयत के जसद खाकी को यानी मैयत के जिस्म को चीर फाड़ कर मुआयना करना, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं, आम हालात में शरअन जायज़ नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके इस अमल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अलबत्ता जहाँ कानूनी मजबूरी हो तो माजूरी है, यानी वहाँ उज़्र की बिना पर पोस्टमार्टम कर सकते हैं, नहीं तो हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि पोस्टमार्टम न किया जाए। दूसरा मसला कि पोस्टमार्टम वाली नाश की तजहीज़ व तकफीन। जिस मैयत का मजबूरी में पोस्टमार्टम करना पड़े, उसको बाद में गुस्ल और कफन आम मुर्दों की तरह ही दिया जाएगा। यानी जिस तरह आम मुर्दों को कफन और गुस्ल दिया जाता है, उस तरह इस पोस्टमार्टम वाली लाश को भी दिया जाएगा। और गुस्ल की वजह से अगरचे बदन के अंदर पानी चला जाने का ख़तरा हो, फिर भी गुस्ल दिया जाएगा, यानी बग़ैर गुस्ल उसको दफन नहीं किया जाएगा। फतवा आलमगिरी का हवाला है। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।